न्यूरिया टनकपुर का मैच था, न्यूरिया बहुत बेकार था, टीम निकला एकदम छाबू अपना बेकार खेला। एंड जो ऐसा कुछ खेलता है ये रहा रेफरी, रेफरी देखो क्या कर रहा है, कटिंग अमंग कटिंग कटिंग देयर पीपल, ए बोदा चुप। नमस्कार बाबूआ, जरूरी सूचना वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, वीडियो में दिखाए गए सभी कलाकार बेरोजगार नल्ला है तथा इनके पास कोई काम ना होने के कारण यूट्यूब में अपना पता नहीं सर मार रहा है। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, आपको आपकी उसकी कसम जिससे आप सबसे ज्यादा प्यार करते हो, आप तो कसम भी दे दीजिए, आप लाइक करना पड़ेगा। और भाई देखो, जिंदगी एक जुआ है, जुआ से पैसे कमाने के लिए आपको सिंपली जाना है सिटकुल, 8 घंटे का जॉब करना है, क्योंकि अगर तुम पैसे नहीं कमाओगे तो दादारा कोनो माँ कोनो बाप तुम्हारे माइये देवे ना, ताई टाका तुम्हारे कमानो ही लागबे, जाओ सिटकुल पुंगाओ। तालीबंधु बन्नो मस्कार, राधे राधे, कैमन आछेन सबाई। आमी सकाले सकाले भाबछि कि एक नया ब्लॉग बनाया जाए, अभी तो उठे हैं, उठने के बाद आईने के सामने खड़े हो गए अपना गंदा शक्ल लेके, फिर मैं बाहर की ओर निकल गया। निकलते ही दिमाग में ख्याल आया कि थोड़ा बैठ जाते हैं, बैठते फिर सोचने लगा कि आज करना क्या है दिन भर, तो फिर सडनली दिमाग में आता है पहले चलो फ्रेश हो जाते हैं, पहले करते ब्रश, ब्रश करते करते फिर आ जाता है तुरंत पापा जी का कॉल, पापा जी कॉल करके बुला लेते खेत पे, फिर हम चल सुबह सुबह हम जाने वाले थे साइकिलिंग करने, तो साइकिलिंग करने जा नहीं पाए, मौसम बहुत ही ख़राब था। अभी मौसम देखिए कितना मस्त हो रखा है, मस्त मौसम मस्त चल रहा है। फिर हम खेत में, तो खेत पहुँच के देखते हैं कि पापा एक बाल्टी में दवाई मिक्स कर रहे थे, फिर खेत पे स्प्रे डालने, आधे से ज़्यादा काम हो जाता है। और कितना सुंदर लगता है, सुबह सुबह का मौसम भी बड़ा मस्त था आज, फिर पापा जी ने लगा दिया इसको काम पे, धान काटने के लिए बोल दिया कि थोड़ा सा धान बचा हुआ है इसको काट दू, अब देखो कैसे काट रहा है, और मैं चुपके से वीडियो बना रहा हूँ। तो हमारा काम समाप्त हो जाता है, हम खुशी खुशी करके और निकल जाते हैं। निकलते ही फिर दिमाग में हमारे ख्याल आता है कि आज तो संडे है, जल्दी जल्दी काम हो गया, फिर अचानक सोचता हूँ यार, तभी याद आता है कि मेरे लिए संडे का और मंडे का, मैं तो बेरोजगार हूँ। तो थोड़ी देर में हम घर पहुंचते हैं, घर पहुंचने के बाद खाते हैं रोटी, खाने रोटी खाने के बाद हम जाते हैं पड़ोस में एक भैया के घर, वहाँ पर जाके देखते हैं हम टीवी, टीवी में चलता है एक मूवी, मूवी को हम एंजॉय करते हैं तीनों जने मिलके, हमारे चाचा जी रहते हैं और बेटे रहते हैं और एक बड़े भैया हमारे रहते हैं। हम देखते देखते ही हमारे साथ जुड़ जाती है एक हमारी आमा, जिसे हम बोलते हैं ठम्मा बंगाली में। तो फिर हम पहुँचते घर, घर के पहुँचने के बाद नहा धो के फ्रेश हो जाते हैं, फ्रेश होने के बाद फिर निकल जाते हैं हम मैच देखने। एक्चुअली हमारे शक्ति फार्म में हो रहा था टूर्नामेंट, फुटबॉल टूर्नामेंट टाइगर नगर में, तो वहाँ पे जाते हैं, उससे पहले हमारा फोन आ जाता है हमारे पास, बात कर रहे हैं, फोन आ गया सर का, कृपया व्यस्त हैं सर। आप कौन, कहाँ लगाया फोन, आपका क्या नाम है, हमसे क्या काम है। फाइनली हम मिल चुके हैं मेरे पुराने पार्टनर, ये रहा, हम दोनों जा रहे हैं मैच के, मैच को एंजॉय करते हैं। नमस्कार दादा, नमस्कार, कैसे हो सभी, कैमरा तो मेरे मुंह के अंदर घुस जा रहा है, मेरे को समझ आ गया कि इसमें कुछ गलत ही रिकॉर्ड हो रहा है, ये अच्छा तो आ नहीं रहा है इसमें, पक्का है बैक कैमरा से कैसे आएगा। अब भाई साहब के पास अच्छा अच्छा कैमरा है, बड़ा बड़ा कैमरा है, वो लाएगा नहीं, फोन से बनाएगा, तो चलो ठीक है देखते हैं आगे। तो आज का जो मैच है वो है न्यूरिया वर्सेस टनकपुर के बीच में खेला जाएगा, काफी रोमांचक मैच होगा देखने, दर्शक देखेंगे आप तो आपका क्या क्या फट जाएगा हमें पता नहीं है, लेकिन फटेगा बहुत। ये क्या बात करता है यार, अरे मैच तो स्टार्ट हो गया, शुभारंभ हो चुका है, अब दर्शक ही दर्शक देखो। तो ये रहा हमारा 4 नंबर फील्ड, और गाड़ी यहाँ पे रखेंगे वीआईपी पार्किंग में, वो हमारे भैया जी, हाय बोल दो हाय। आ गया स्वाद, रुक गया वीडियो है, सब्सक्राइब करोगे नहीं तो ऐसे ही होगा, लो करो ठोको उस पे, सब्सक्राइब करो जल्दी करो। ये हमारा छोटा भाई बोल हाय बोल, सॉरी हाय, अरे क्या बोल रहा है अब, चुप हो थोड़ी, क्या ये रहा रेफरी, रेफरी देखो क्या कर रहा है, बंद करो भाई, खुले में हगना बंद करो।
अमित भाई कुछ बताना चाहोगे इस टूर्नामेंट के बारे में? टूर्नामेंट विगत 31 वर्षों से चले आ रहा है और बहुत ही ये फ्रेंच कट कहाँ से लगाया है बताओ पहले? फ्रेंच कट ये नाई की दुकान से लगाया और कहाँ से लगाया? फ्रेंच बहुत बुरे लग रहे, तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। गाइस ऐसा होता है हमारे शक्ति पारा में टूर्नामेंट, बहुत ही दूर दूर से आते हैं टीम। तो ये देखो आप देख सकते हो कौन आया बच्चों का, ये रामनगर से आए रेफरी हमारे। अच्छा, हर्ष ये हमारे सर है रामनगर से आए। तो एक्चुअली मेरा नाम मुकेश है, मैं भी पुराना प्लेयर रहा हूँ यहाँ का। तो देखते ही देखते हमारा वीआईपी सीट भर चुका था और हमारे बगल में हमारे बेटे आ चुका था, एक बेटा आके बैठ चुका है। इसका हंसी देखना, ये क्या हंसता है लौंडा अपना। तो ये रहा दर्शक, तनाकपुर की टीम इधर है रेड जर्सी में और उधर है न्यू ईयर की टीम रेड जर्सी में। और ये जो ऑरेंज, ये जो ऑरेंज जर्सी में देख रहे हैं आप, ये प्राणी मतलब ये नाइजीरिया से आया है लाइन्समैन के लिए। हेलो, ये लाइन्समैन इग्नोर मार रहा है लाइन्समैन, अभी देखेंगे लाइन्समैन। नोनी बोल के बोला, नोनी लाइन्समैन, ये नोनी इसका बाप का नाम है एक्चुअली। नाइन मैच अभी भी चल रहा है, अभी मैच खत्म होने वाला है। एक्चुअली टनकपुर ने क्या है 2 और न्यूरिया 0 पे। तो गाइस अभी चलते हैं, क्यों फिर जाने मिलते हैं। ये हमारे छोटे छोटे भाई अपने गांव के, बोले हमें भी दिखा दो, तो बोलते कुछ हेड 1 2 3 गाड़ी चला करेंगे। तो गाइस ऐसे है मजे, दिन भर मजा करो। हाँ, शाम को खाओ के अश्वर मित्रा, दिल गलती से कभी खाए हो ना। बुलाओ हो गया समाप्त, मैच हो गया समाप्त, इंडिया पाकिस्तान सॉरी न्यूरिया टनकपुर का मैच था। न्यूरिया बहुत बेकार था, टीम निकला एकदम छाबू कहाँ बेकार खेला, जो ऐसा कुछ खेलता है गाड़ी दूंगा। गाइस तो देखो ये फोन धुको दिया है कहाँ पे, मेरे को पता नहीं चल रहा, बैक कैमरे से मुरा मुँह आ रहा है ना, माथा आ रहा है। और देखो तो ये जल्दी जल्दी चलो खाना खा के घर, अब फिर आना है। यहाँ पे कुछ भी हो रहा है, यहाँ पे रंग रंग कार्यक्रम हो रहा है। और आज मुख्य मैं एक सभी को हिंट देना चाहता हूँ, जितने भी लेजेंड लोग हैं वो इंस्टाग्राम पे जाओ और जाके फॉलो करो निक इंडियंस को बस। और अभी आएगा, समझ रहे हो ना। हम यहाँ पे प्रोग्राम में दिखा दो, इंडिया चल रहा है जुगाड़ पट्टी पे, हम बाइक चला रहे लेकिन हमारे वहाँ पे कीड़ा है, हमें ब्लॉक बनाना है। तो इसीलिए गिर गया उससे कोई मतलब नहीं बनता, लेकिन ब्लॉक बनना चाहिए आप लोगों की। तो अभी क्या कर रहे हैं हम, मैं एक हाथ से गाड़ी चला रहा हूँ और एक हाथ से ये बंदा फोन पकड़ा हुआ है और एक हाथ से ये क्या पता नहीं क्या कर रहा है, पता नहीं चल रहा है, टॉर्च पकड़ के रखा है। तो माने हम आगे शकर बंगा कीड़ा है, समझ रहे हो? यू नो अंडरस्टैंड बेटर वेल, आई एम सो सॉरी। प्रॉब्लम क्या है, मैं इंग्लिश नहीं बोल पाती, टूटी फूटी जैसी भी आती है बस बोलना है, अंडरस्टैंड विद। देखो आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू, दिस इज नॉट राइट पर्सन टुडे, आई एम वेरी सैड अपसेट टुडे, आई एम वेरी हॉट एंड हंग्री। दिस इज माई पर्सनल पर्सपेक्टिव टू यू, या कांग्रेचुलेशन, यू आर सो स्वीट, यू आर सो क्यूट एंड सो स्वीट, यू आर सो ब्यूटिफुल, यू आर डोंट नीड एनी मेकअप, बट इफ यू आर थिंक यू आर बैड, आई एम योर डैड। अच्छा ठीक है, सो दिस इज सो नाइस प्लेस, ब्यूटिफुल कंट्री, इंडिया इज माई कंट्री, इंडिया इज द वेरी ब्यूटिफुल कंट्री, भारत देश, भारत हमारा देश है, आई रिवर्ट। देर आर मैनी टेम्पल्स, देर आर वन ओल्ड पर्सन गोइंग टू साइकिल एंड आई विल टॉक टू यू सम लेटर। दिस इज द अवर गुरुग्राम, गुरुग्राम दिस इज बरगद का पेड़, दिस इज माई विलेज, दिस इज माई विलेज, ब्यूटिफुल प्लेस। या आई नो दैट यू आर सो अपसेट बिकॉज दैट टाइम वीडियो क्वालिटी इज सो लो, बट डोंट मत देखो वीडियो का क्वालिटी मत देखो, सुनो ओनली लिसन टू मी
listen to me. Hey, listen to me carefully. I am so upset today. So I will go there and where? I will go chop ke dukan mein and 20 rupees chop. I have 20. I buy 20 rupees chop, 6 piece and divided. Cutting among their people. Hey, bota chop. Hey, what the car, boy? Oh, pagal karke pitha chhod de. Cutting आधा कटिंग एंड देन 6 पीसेस इज इक्वल टू 12 पीस. दिस इज वेरी गुड थिंग. नो नॉट थिंग, दिस इज वेरी गुड कैलकुलेशन. या लाइफ इज सो शॉर्ट, तो एंजॉय एवरी पल. रुको, कैलेज दबा के गाड़ी बंद करना है. कैलेज नहीं दबाना पड़ेगा. यहाँ पहुंच गया अपने गुलिस्तान के मोड़. आ गया गुलिस्तान के मोड़ पे. गाइस अभी कुछ पता